अरे अरे देखो तो इन कमबख्त मारो को, अंधे होंगे दिख नहीं रहा, पूरा बुरखा मेरा लाल कर दिया, गहन मुँह में गंदगी भरी हुई है बस, और है क्या। अरे कमक ने पूरे शहर को उगलदान समझ लिया, जहाँ गया उन्होंने पित्तू की, हर जगह आए शहर का गंदा कैसा कर रहे हैं। अरे बच्चे बता सही कह रही हूँ मैं नहीं कह रही हूँ, बता मेरे बच्चे बता सही कह रही हूँ नहीं कह रही हूँ। अरे तू बोल क्यों नहीं रहा, तेरे मुंह में जुबान नहीं है क्या। अरे अरे तुम सब एक से ही हो, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। खाने की तो चीज है भाई, खैरियत से हैं? वालेकुम भाई खैरियत जी। अरे आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आप लड़ रहे थे, मुझे बड़ी हैरत हुई कि आप क्यों लड़ रहे हैं। वो तो पता है गंदगी कर रहे हैं, गलत आदमी है, गलत काम कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं करना चाहिए था। भाई आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो मैंने गुस्सा किया, ये गुस्सा किसी एक इंसान के लिए नहीं था, बल्कि उन सब लोगों के लिए था जो कि इस लत में पड़े हुए हैं। आप मेरे साथ 100 मीटर के डिस्टेंस चल के देखो तो आपको ये नज़र आएगा कि इसमें 80% कूड़ा, जिसमें गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट ये सब होगा। ठीक है, ये लोग अपने गली, अपने मोहल्ले, अपने शहर और अपने हिंदुस्तान को तो गंदा कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये लोग अपने जिस्म को भी तो खोखला कर रहे हैं। सही बात। अगर इन लोगों से पूछो कि आप ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, इसे क्यों खा रहे हो, तो कहते हैं ये हमारे लिए एनर्जी ड्रिंक है। बताइए, आप ये गंदगी का आलम देखो, हर 10 कदम पर आपको या तो गुटखे का रैपर मिलेगा या आपको देखते देखिए आपको देखो सही कर रहे हो, देखो हर वक्त ये आदमी थकता हो जाए। हाँ भाई, क्या तैयारी है शादी में जाने की, चलना है या नहीं चलना है? यार क्यों नहीं जाऊंगा, तो मैंने तो कपड़े भी प्रेस करवा लिए जाने के लिए, बस ये कोई सवारी का मसला है, कोई सवारी मिल जाए। अरे वाह नान साहब आ गए। हाँ भाई क्या तैयारी है जाने की? अरे भाई जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे, रात भी हल्का रखा, सुबह भी नाश्ता नहीं करा। हाँ तुम जब जाएंगे शाम को पहले खाना जाके। चलो बढ़िया है, चलो। अरे भाई बिलाल, अरे भाई हाँ वाह बिलाल भाई खैरियत? आज कुछ मुरझाए हुए लग रहा हो आप। हाँ बस यार आज थोड़ी तबीयत खराब है, तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द है, चक्कर भी आ रहे हैं आज। अरे हाँ, देखो अगर तबीयत ठीक रहेगी तो जाऊंगा मैं, नहीं हुई तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कॉल करके। क्यों भाई कमजोर क्यों पड़ गए, काजू बादाम नहीं खाए शायद? यार ये क्या छोड़ गए, तो हमारी खुराक है मेरा भाई, तो वो छोड़ ही नहीं सकते, इससे तो हमारी जान रहती है, बस इसकी वजह थोड़ी तबीयत। हाँ ये तो काजू बादाम है भाई, तो खाना जरूरी है हफ्ते में, ये तो खाना जरूरी है। यार जाने का मसला है, दूर बहुत है। आबिद था कि क्रेटा ले जाओ, फोन करूं? फोन करता हूं, कैसी बातें कर रहा हो? उनके तो क्रेटा खड़ी हुई है आबिद भाई के, अभी रुका भी करता हूँ। स्टॉक का माल दे दिए, कोई स्टॉक का माल नहीं, जाओ पैसे वैसे देते लेंगे नहीं मिला, दे दो ना यार। ना ना नहीं दे, दुकान पे देखो जाओ, जब मुफ्त का माल देता। हाँ भाई आबिद खान कैसे हो, ठीक हो? हेलो हाँ भाई मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ। तुम्हारी कैसी मीटिंग? यार हमारी बहुत मीटिंगें होती हैं। यार तुम्हारी एक दिन को क्रेटा चाहिए थी यार, शादी में जाने के लिए। कैसे लेके जाऊँगा, मेरे घर वाले कैसे लेके जाएंगे? यार हमें ही बिठा लेना यार अपनी क्रेटा में। भाई दोस्ती दूर की अच्छी, रोटी तंदूर की अच्छी। अल्लाह हाफिज़। अरे यार ये कहाँ से आ गया? अरे मैं कहा तो पैसे भी नहीं, मैं तो सट्टा पिड्डा का, मैं कहा तो है भी नहीं, मैं खुद भीख मांग के लाया था पैसे किसी से। अरे मेरा क्या होगा? अरे भाई आप इतना टिक्की खाना हुआ है। खाते हुए। इन्हें टिक्की खिला दे ना, इन्हें टिक्की खिला दे ना। भाई बताशे बना देना सूजी वाले, ठीक है? मेरा तो पता आ गया सूजी के बताशों का भाई, बड़ा बताशा होता है। सबसे फेमस बताशा है रामपुर का ये हम दिखा रहे हैं आपको। बहुत बहुत अच्छा पता लिया शान साहब, लिया आपके लिए। ये बहुत शानदार बताशा है यहाँ का, इनका बहुत अच्छा बताशा। भाई पेशाब फिर के आता हूँ, ठीक है? अरे भाई यहाँ से निकल लो तेज, ये तो हराम है अल्लाह रिक्शा। अरे भैया अल्लाह तेरा शुक्र, मैं तो भाग गया यहाँ से। अरे टिक्की के पैसे कौन देगा टिक्की के? अरे अरे गया कहाँ ढूंढूं, यहीं कहीं ढूंढो। 120 होगा है। अरे आबिद को ढूंढो, आबिद को ढूंढो। छोड़ो शादी में चलो। किस टाइम लगे भाई? खाना वाना किस टाइम चालू होगा? अरे भाई अभी साहब, अरे भाई क्या करा तुमने? पैसे भी नहीं दिया, छोड़ के भाग गए। तो तुम कह के जाते ना, हम यहाँ पे टिक्के खा रहे थे यार, तुम छोड़ के भाग गए यार। हम तो पैसे दे के आ गए यार उसको, तुम तो बोले पेशाब करने जा रही हूँ, मैं भी आ रही हूँ। पैसे दे के जाते तुम, पैसे मैंने दिए फिर उसके। आपके दोस्त की शादी है, डांस वांस नहीं कर रहे हैं आप? आपने बात बिल्कुल बहुत अच्छी बताई। आबिद ने सबको गुटखा खिलवा दो, टेंशन ले रहा है वो भाई अपना। लो अरे चलो छोड़ लो, खाओ गगन, लो मगन। चलो चलो कोई बात नहीं, चलो गगन खाओ तुम, चलो चलो डांस बात करो, चलो चलो कोई बात नहीं। हेलो, हाँ यार जल्दी काशिफा, जल्दी आओ, तुम्हारा भाई बेहोश हो गया, जल्दी आ जाओ, दिल घबरा रही है मेरा। अरे कैफ तू आओ, कैफ तू आओ, तू आओ, तो अरे तू बहुत दुबला है। अनन तू आओ, तू आओ, तू बीच में पहुंच। अनन तू आओ, तू अरे बीच में आ, तू बीच में आ। मैं बीच में आता हूं, बीच में। अनन अनन तू बहुत मोटा हो गया, तू इधर को पहुंच, मैं बीच में आ जाता हूं। अरे अरे तू बीच में चल। डॉक्टर डॉक्टर देखने इसको क्या हो गया? घबराई मत, आप अंदर लेटा ली मार। ठीक। आप बाहर बैठिए थोड़े टाइम, मैं आ रहा हूँ। ठीक ठीक। कांग्रेचुलेशंस, आपकी यहाँ बहुत बहुत मुबारक हो। तो भाई लाया था ना अपने, तो भाई तो है, भाई तो बताना भाई बिल्कुल ठीक है आपका? अरे माशाल्लाह। अभी रुकिए ज़रा 2 मिनट मेरी बात सुनिए, कुछ बात करनी है आपसे। किस मसले में? घबराइए मत ही, घबराने की बात भी है मगर इतनी नहीं है क्योंकि अभी शुरुआत है। आपका भाई गुटखा खाता है क्या? गुटखा तो हाँ बहुत खाता है, बहुत ज़्यादा। तो उसको आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि इनकी इनिशियल स्टेज है कैंसर की। कैसे समझाऊँ? तो आपको समझाना पड़ेगा नहीं तो आपके हाथ से निकल जाएगा आपका भाई, आपको समझना पड़ेगा। कोशिश तो मैं करता हूँ। फिर तो आप करते हैं किस तरह से गुटखा छुड़वाऊँ मैं? जी वैसे स्टेज मतलब ये अभी इनकी शुरुआत है, हम अभी तो कंट्रोल कर लेंगे मगर आगे बढ़ के कुछ हमारी जिम्मेदारी नहीं कभी हो सकता है क्या? जी कैंसर का ही तो स्टार्टिंग है, उसी को देखना है क्योंकि अभी तो हमारे कंट्रोल में, अगर आगे निकल जाएगा तो फिर हम जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वरना ये खा तो बहुत रहा था लेकिन आज मैं इसके ऊपर सख्ती करूँगा। वैसे मेरी ज़रूरत कभी पड़ा तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए। बिलाल क्या हुआ तुझे? तूने सुना डॉक्टर साहब ने क्या बोला तुझे? अभी सारी डॉक्टर की बात है आपसे क्या क्या डॉक्टर ने। मैं आइंदा कभी गुटखा नहीं खाऊंगा और अपने फ्रेंड को ही मना करूंगा गुटखा खाने से, इससे बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। मैं ही जानता हूँ, अभी डॉक्टर साहब ने बताया कैंसर के बारे में, बहुत घबरा गया मैं। इससे गुटखा बिल्कुल ख़त्म कर दूँगा भाई, नहीं खाऊँगा गुटखा मैं। बिल्कुल सही कहते थे आप, ये गुटखा छोड़ दो पूरी चीज़ है, मगर मैंने नहीं छोड़ा। आज मुझे बहुत परेशानी हो रही है भाई, कैसे भी करके मेरा इलाज कराओ, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। आज के बाद मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, अपने फ्रेंड को ही मना करूंगा गुटखा खाने से। इस मासूम को क्या पता मुझे भी यही लत है। शाम तक अरे साहब खैरियत नहीं साहब, वो मेरे घर में जो था अभी छोटे भाई को डॉक्टर ने मुझे बताया अभी कि कैंसर का सीन हो चुका है, मतलब अभी स्टेज शुरुआत है। तो मुझसे रो कर बात भी बहुत करी उसने कि इलाज कराओ ये सब चीज़ें। तो मुझे सबसे पहले जो पछतावा हुआ ना, सबसे पहले मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि जो कि मैंने उस दिन जो झगड़ा करा था, आज मुझे उस चीज़ का पछतावा हो रहा है कि मैंने झगड़ा क्यों करा, जबकि तुमने मुझे समझाया था कि गुटखा खाना गलत है। आज के बाद ये चीज़ सोच ली है और ये करना है इंशाल्लाह कि गुटखा ना खाना है, और इंशाल्लाह कोशिश यही करनी है कोई गुटखा ना खाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात है। और हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं इस चीज़ में, और हम सब मिलकर इस जहर के खिलाफ एक अभियान चलाएंगे और लोगों से मना करेंगे कि इस जहर को छोड़ दें। छोड़ना ही बेहतर है, इससे हमारा शहर भी साफ होगा और हमारा जिस्म भी। ठीक है मम्मा? इंशाल्लाह। और अगर मुझसे कुछ गलती हो तो आप भी मुझे। नहीं नहीं, आपने जो बोला था, देश के युवा को बनना था कालाम, हर वक्त मुंह में है इसके गुटखा और पान। ये कैसे बना दिया हमने अपना हिंदुस्तान? इस धरती को कहते हैं अपनी माँ, जहाँ चलाना था हमें स्वच्छ भारत अभियान, मगर बना दिया इसको उगलदान। ये कैसे बना दिया हमने अपना हिंदुस्तान? इस जहर को फेंक दो, इस जहर को फेंक दो। ये कहानी तो यहाँ ख़त्म हुई, लेकिन ये चैनल यूं ही चलता रहेगा। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबके साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।